पवन सिंह कराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जीत पाएंगे, रियल हीरो बन सकते हैं? चुपचाप लड़ते हैं पक्ष में होगा। भाषाई जो होता है राजनीति में, भाषाई एक आधार होता है, भाषा का प्रभुत्व रहता है राजनीति में, और हो सकता है कि चुनाव जीत जाएंगे। पवन सिंह के मुद्दा के बारे में कुछ मालूम है? उसको तो नाचने आता है, गाना गाने आता है, कमर हिलाने आता है। जितना भी फिल्मी दुनिया से लोग खड़ा हुआ है उसको हरा देना चाहिए लोगों को। उस तरह से तो भाई लालू परिवार को जो पूरा तरह से खत्म कर देना चाहिए, काहे के जो लालू तेजस्वी यादव जब जन्म लिए थे ना तो सोना के चम्मच से ना खाते थे, तो वो तो आओ नहीं देखे। पवन सिंह तो बहुत संघर्ष किया था, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, तब जाके ना पवन सिंह ना पावर स्टार बना है। ऐसे थोड़ी पावर स्टार बन गया, इस बार काराकाट से उसको भारी बहुमत से जीत मिल रही है भैया, इनको बोलने तो कुछ नहीं। आप ही जैसे सोशल मीडिया के तरफ देखे हैं कि अगर ऐसे करके पवन सिंह से कोई ऐसे सेल्फी करता तो ऐसे करते हैं, हटो ठीक है। अब वही आदरणीय खेसारी लाल के पास जाते तो खेसारी लाल ऐसे करते हैं, हाँ भाई ऐसे करते हैं, ठीक है, प्यार घमंडी है। सीधा सा बात है, लॉजिक से बात है, जो नारी का सम्मान नहीं किया वो हमारा क्या सम्मान है? कौन बोले हैं कि मतलब फोटो खींचने जाता है तो भगा दिया जाता है? प्रूफ है उनके पास, अगर प्रूफ है तो प्रूफ के साथ बोलो, किसी को मत नचनिया गचनिया मत बोलो। जब नचनिया को पावर होता है 10 लाख पब्लिक को जुटाना, तो उसका हिम्मत नहीं हो सकता है कि हम जीत सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं? अरे हम भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है भाई, क्यों नहीं लड़ेगा? अगर आपका दम है, लोकतंत्र है, आपका दम है तो आप लड़ो ना, औकात है आप में, अब मैं तो दम में नहीं तो क्यों लड़ोगे? आसनसोल से नहीं लड़ पाए, आसनसोल दिया, पूरा उत्साहित होकर 4 गाड़ी लेके बिहार से निकले आसनसोल के लिए। आसनसोल जब पहुंचे जब तो देखें कि अरे बाप, यहाँ तो साला शत्रु बाबा खामोश, ठीक है। जली कौन है शत्रु? जली को राग कहते हैं, बुजी को राग कहते हैं, जिस राग से मने बारूद उसे शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं। अरे 10 साल मौका दिए, 10 साल मौका दिए, घंटा उखाड़ा कोई 10 साल मौका दिए, अरे एक बार मौका दो, एक बार मौका दे के देखो, साला युवा है नहीं कुछ करेंगे तब तो भाई, एक बार मौका दो, साला 10 साल दिए क्या करा, कुछ किया? वहाँ की जनता तो बोलता है हमको कुछ नहीं किया, हमको पवन सिंह चाहिए। अब न्यूज देखिए ना, खोल के बोलता है जनता वहाँ का, पवन सिंह हमको चाहिए, और जीतेंगे, पवन सिंह जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। लोकसभा चुनाव का फर्स्ट चरण का जो है वो वोटिंग हो चुका है, दूसरे चरण का 26 तारीख का होगा। और आपको बता दें कि पवन सिंह जो कि पावर स्टार भोजपुरी कहे जाते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट लोकसभा से। अगर बात करें एनडीए से जो है वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी हैं। लोगों से जानेंगे पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, हीरो फिल्मी जगत में क्या रियल हीरो जनता के पीछे बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो भैया नचनिया बचने से पहले हम दो इंच दूर हैं, हाँ नचनिया बचने से दूर। पूछे का है, उसके पीछे रीजन यह है कि मान लिया 2024 में 4 जून का काउंटिंग होता है और उसमें विजय घोषित कर दिया जाता है पवन सिंह को, और 5 जून को सुभाष घई का फोन आता है कि पवन जी आपको मेरे फिल्म में शूटिंग करना है, काम करना है, तो सपना वो अपने क्षेत्र का छोड़ के सपना वो देखेंगे कि इटली हमको जाना है, सपना देखना है कि दुबई हमको जाना है, सपना देखेंगे अमेरिका जाकर शूटिंग करना है, क्योंकि सुभाष घई का ज्यादा फिल्म वहीं शूटिंग होता है, ठीक है, तो अपने क्षेत्र का काम छोड़ के और वहां जाने का काम के लिए कर रहे हैं कि जनता के लिए करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, युवाओं में क्रेज है पवन सिंह को लेकर। कौन बोला? पवन सिंह बोल रहे हैं। पवन सिंह घमंडी इंसान है, घमंडी बिल्कुल, घमंडी जनता के बीच रहने वाले हैं। कहाँ जनता के बीच में भाई, आप ही जैसे सोशल मीडिया के तरफ देखे हैं कि अगर ऐसे करके पवन सिंह से कोई ऐसे सेल्फी करता तो ऐसे करते हैं, हटो हटो दूर, ठीक है। अब वही आदरणीय खेसारी लाल के पास जाते तो खेसारी लाल ऐसे करते हैं, हाँ भाई ऐसे करते हैं, ठीक है, घमंडी है। सीधा सा बात है, लॉजिक से बात है, जो नारी का सम्मान नहीं किया वो हमारा क्या सम्मान करेगा? पवन सिंह कराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जीत पाएंगे, रियल हीरो बन सकते हैं? चुपचाप लड़ते हैं पक्ष में होगा। भाषाई जो होता है राजनीति में, भाषाई एक आधार होता है, भाषा का प्रभुत्व रहता है राजनीति में, और हो सकता है कि चुनाव जीत जाएंगे। कराकाट से उपेंद्र कुशवाहा है, एनडीए से कुछ भी, हाँ हो सकता है, राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या पवन सिंह विकास करेंगे, चुनाव जीतेंगे लगता है? अब विकास को कैसा परिभाषित कर सकते हैं, विकास तो किसको विकास कहिएगा, बोलिए, रोड नाला सड़क इस विकास क्या है सब, ये जनता का सेवा है, फंड मिलेगा करेगा उसका प्रतिनिधि कर रहे हैं कि मिलेगा तो शूटिंग पर भाग जाएंगे अगर जीतेंगे तो। नहीं नहीं वो होता है, प्रतिनिधि लोग क्षेत्र में रह के अपना काम भी करवाता है लोग, ऐसा राजनीति में संभव है। उनका जन्म स्थान था बंगाल, पवन जी का तो बीजेपी ने बोला कि पवन जी का बंगाल जन्म स्थान है, इसलिए टिकट बीजेपी बंगाल से दे दिया उनको आसनसोल से, ठीक है, आसनसोल से नहीं लड़ पाए, आसनसोल दिया, पूरा उत्साहित होकर 4 गाड़ी लेके बिहार से निकले आसनसोल के लिए। आसनसोल जब पहुंचे जब तो देखें कि अरे बाप, यहाँ तो साला शत्रु बाबा खामोश, ठीक है। जली कौन है शत्रु बाबा? जली को राग कहते हैं, बुजी को राग कहते हैं, जिस राग से मने बारूद उसे शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं, लेकिन कि तो गुरु बैठे हैं, भागे भागे चले आए। अब बिहार में आने के बाद तारीफ करने लगे तेजस्वी यादव का,
तेजस्वी यादव का हम बहुत आदर से हम दिल से उनका सम्मान करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि नचनिया बचनिया से दूर है वो। हाँ, पूरा उम्मीद लगाए मैं थे पवन सिंह की हमको तेजस्वी यादव टिकट दे देगा, लेकिन नचनिया बचनिया से दूर है। ठीक है, अब वैसे जगह आरा उनका मतलब कि सब कुछ उनका आरा में हुआ है, आरा छोड़ के वो ऐसे जगह पे चल गए हैं जहाँ पर उनकी जाति की संखनिया जा। इन्होंने बोला आरा छोड़ के अब आ गए हैं काराकाट में, तो ये जो आपका ये जो कन्हैया कुमार है बेगूसराय छोड़ के भाग गया, कहला चला छोटा वो दिल्ली भाग गया, वो यहाँ से यहाँ से उसको गाली काट दिया। अरे भैया वो उस तरह के आदमी पर थोड़ा सा गाली निकल जाता है, वो देशद्रोही है, समझ गए ना, देशद्रोही। वो जमानत पर है, एनएसए उस पर है, देशद्रोही है, उसको जमानत पर है, उसको तो पहला बात कांग्रेस को देना नहीं चाहिए था टिकट। और वहाँ के भाई जनता फुल सपोर्ट ना करे, काराकाट की बात रही थी भाई, काराकाट से बीजेपी के जो अति निर्दलीय नहीं उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं जीत रहे हैं, वहाँ वहाँ के जो है पवन सिंह काराकाट से भारी बहुमत से जीत रहे हैं। है कि वहाँ के जो दोस्त है मेरा एक काराकाट का, दो चार दोस्त है, वहाँ से हमको खबर मिल रहा है कि पवन सिंह का बहुत हल्ला है। और भाई क्यों ना हल्ला हो, वो आएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा, वहाँ की बहुत सारी मुद्दा है, वो मुद्दा पर को लेकर वो अच्छा काम करेगा, बिल्कुल करेगा। वो काराकाट से पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार है। पवन सिंह के मुद्दा के बारे में कुछ मालूम है? उसको तो नाचने आता है, गाना गाने आता है, कमर हिलाने आता है। जितना भी फिल्मी दुनिया से लोग खड़ा हुआ है उसको हरा देना चाहिए लोगों को। हाँ, उसको हरा देना चाहिए। काहे कि ऐसे में नेतागिरी करने से क्या फायदा, जब नेता को कहीं चुनाव लड़ने का मौका ही ना मिलेगा। नचनिए बजनिए चुनाव लड़े हर जगह, तो इससे अच्छा था कि गान नचाने से टिकट मिल जाएगा तो नचनिए बजनिए सब बन जाए। इतना नाराज का है पवन सिंह को, सबका स्वतंत्र है, सब चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा है लड़े, लेकिन वो गांव के बारे में क्या जानता है, गरीबी की क्या हालत। एक चांस दीजिएगा तभी ना वो जानेंगे। नहीं जानेगा, जो गरीबी का हालत जानता है, गरीबी के बारे में जानता है, उसको चुनाव जिताना चाहिए। गरीबी देखे हैं, गरीब घर में पैदा हुए, कहाँ देखे हैं गरीबी, कभी गरीबी नहीं देखे हैं पवन सिंह, कोई भी गरीबी नहीं देखे हैं। गरीब को मौका देना चाहिए, जो आपके समस्या से रूबरू हो, आपके समस्या को जानता हो, बेरोजगारी का दर्द जानता हो, महंगाई का दर्द जानता हो, उसको मौका देना चाहिए। पवन सिंह को जानते हैं? हाँ जानते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। हाँ, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि उसको गरीबी का जानना चाहिए, उस तरह से तो भाई लालू परिवार को जो पूरा तरह से खत्म कर देना चाहिए। काहे के जो लालू तेजस्वी यादव जब जन्म लिए थे ना, तो सोना के चम्मच से ना खाते थे, तो वो तो आओ नहीं देखे हैं। पवन सिंह तो बहुत संघर्ष किया था, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, तब जाके ना पवन सिंह ना पावर स्टार बना है। ऐसे थोड़ी पावर स्टार बन गया, इस बार काराकाट से उसको भारी बहुमत से जीत मिल रही है। भैया इनको बोलने तो कुछ नहीं है, काराकाट से पवन सिंह लड़ जानते हैं? पवन सिंह जानते हैं, उनका फैन है। आइए, कौन बोले हैं कि मतलब फोटो खींचने जाता है तो भगा दिया जाता है, प्रूफ है उनके पास। अगर प्रूफ है तो प्रूफ के साथ बोलो, किसी को मत नचनिया गचनिया मत बोलो। जब नचनिया को पावर होता है 10 लाख पब्लिक को जुटाना, तो उसका हिम्मत नहीं हो सकता है कि हम जीत सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं? अरे हम भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है भाई, क्यों नहीं लड़ेगा? अगर आपका दम है, लोकतंत्र है, आपका दम है तो आप लड़ो ना, औकात है आप में, अब मैं तो दम में नहीं तो क्यों लड़ोगे? पवन सिंह आप तब क्या, पवन सिंह जीतेंगे और काराकाट के जनता। अभी न्यूज देखिए ना, आप लोग न्यूज नहीं देखते हैं, वो बोल के गए न्यूज नहीं देखते हैं, न्यूज देखना चाहिए। न्यूज पर देखिए अभी पूरा हल्ला हुआ है, पूरा खोलिए आप यूट्यूब खोलिए, नहीं हल्ला होगा तब हमको बताइएगा झूठ बोला। मौका मिलना चाहिए। अरे 10 साल मौका दिए, 10 साल मौका दे, घंटा उखाड़ा कोई 10 साल मौका दिए, अरे एक बार मौका दो, एक बार मौका दे के देखो, साला युवा है नहीं कुछ करेंगे तब तो भाई, एक बार मौका दो, साला 10 साल दिए क्या करा, कुछ किया? वहाँ की जनता तो बोलता है हमको कुछ नहीं किया, हमको पवन सिंह चाहिए। अब न्यूज देखिए ना, खोल के बोलता है जनता वहाँ के, पवन सिंह हमको चाहिए। और जीतेंगे, पवन सिंह जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। हाँ फिक्स, पवन सिंह जीतेंगे। अरे जीतना तो तय है, ये है बिल्कुल। पवन सिंह जीत ले थोड़ी गया है, उपेंद्र कुशवाहा के हराने गया है, एकदम चुपचाप काराकाट में ही ना, चुपचाप ललटेन छाप पूरा बिहार में। सुनो ना, अगर पवन सिंह हारने लगेगा ना, एक बात सुनो, वाम वहाँ के विपक्ष में वाम दल, अरे तो महागठबंधन में ना, अरे हम लोग ऐसा नहीं ना, हम लोग में एकता है। टाइम की बात, लाल टाइम का लोग थोड़े क्या, अरे तो वो लाल पहले बात है, तुमने बोला उपेंद्र कुशवाहा को जिताने गया, तो बात सही है। अगर देखेगा पवन सिंह हार रहा है तो उपेंद्र कुशवाहा का सपोर्ट करेगा, काहे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? हराने गए आपको, कहने से लालटेन जीत जाएगा? मोदी जी बोलता है कि मोदी क्या किया,
चलिए, तो हमने पवन सिंह को लेकर के बातचीत किया लोगों से कि इस बार जो है पवन सिंह चुनावी मैदान में है, तो कुछ लोगों का कहना हुआ कि पवन सिंह जो है वो चुनाव जीत जाएंगे, काराकाट की जनता उन पे विश्वास कर रही है। कुछ लोग ये भी कहें कि हमारी दोस्त जो है वो काराकाट विधान लोकसभा से जो है वो आते हैं, उनसे हमने बातचीत किया, कह रहे हैं कि पवन सिंह का जो है इस बार ठीक ठाक वोट आने वाला यानी जीतने वाले। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पवन सिंह चुनाव नहीं जीतने वाले। फिलहाल अभी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।